हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सामान्य हिंदी के लिए हम लोग रिवीजन की सीरीज शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर। स्टडी फॉर एग्जाम में अपने भाग नंबर एक करेंगे इसका। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के माध्यम से सामान्य हिंदी का रिवीजन करेंगे। आने वाले जो हमारे वन डे एग्जाम्स हैं, जैसे कि विपणन अधिकारी का है, मंडी परिषद ने जो वैकेंसी निकाली थी कुछ महीनों पहले, UP SSSC लोअर का सिलेबस अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि कितने नंबर की हिंदी आएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमेशा से पूछी जाती रही है लोअर PCS के प्रीवियस ईयर में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्रैश कोर्स में पूरी सामान्य हिंदी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे रिवीजन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द चूज करने हैं, समानार्थी पहचानने हैं यहाँ पर पहली स्लाइड में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संकीर्ण का समानार्थी क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा? संकीर्ण का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा संकुचित। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर सही हो जाएगा, संकुचित। अगला है यहाँ पर अपेक्षा। अपेक्षा का यहाँ पर समानार्थी क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा इसका वनस्पत, वनस्पत। किनारे का समानार्थी क्या हो जाएगा, तटनी नहीं होगा। ठीक है, तटनी तो नदी के लिए होता है, बंदरगाह भी नहीं होगा, प्रवाह यानी कि बहाव होता है ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा जो ऑप्शन हमारा बच रहा है, तट। तट का मतलब होता है किनारा। इसके बाद ऊष्मा का यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा का समानार्थी हो जाएगा गर्मी, ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर। कंधा का क्या हो जाएगा, कंधे का समानार्थी हो जाएगा अंश, क्या हो जाएगा अंश, सा ध्यान रखिएगा ये वाला सा लगेगा। उद्धत का क्या हो जाएगा, उद्धत का हो जाएगा शैतान, ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्धत का क्या हो जाएगा, शैतान। अगर इसका अगर आपसे विलोम पूछ ले तो हो जाएगा विनीत, विनीत। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पुल्लिंग शब्द का यहाँ पर चयन करना है आपको। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, संतान यहाँ पर एक स्त्रीलिंग शब्द में आएगी। ठीक है, विजय यहाँ पर लड़कों का नाम रखा जाता है लेकिन होता ये स्त्रीलिंग शब्द है। शक्कर तो होती है स्त्रीलिंग है, शक्कर डाली जाती है चाय में, शक्कर डाला नहीं जाता चाय में। तो ये है वर्णन होता है हमेशा पुल्लिंग में, वर्णन किसी चीज़ का किया जाता है, वर्णन किसी चीज़ का लिखा जाता है, बताया जाता है, लेकिन लिखी नहीं जाती है वर्णन। तो यहाँ पर घा सही हो जाएगा आपका। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कई बार इस क्वेश्चन को वर्तनी के रूप में पूछते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कवयित्री जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गा में, ये सही स्त्रीलिंग रूप होता है कवि का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, या में ई की मात्रा जरूर ध्यान रख लीजिएगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसको याद कर ले जाएंगे। जहाँ पर भी कवि पहले लिखा गया हो बाद में यत्री या यित्री लिखा गया हो वो हमेशा रॉन्ग होता है। प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा प्रियतमा, प्रियतमा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, ठीक है, वर्णमाला का सबसे पहला चैप्टर हमारे क्रैश कोर्स का, कितने होते हैं मूल स्वर, ये होते हैं चार। उन चारों का नाम आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कौन से होते हैं चार मूल स्वर। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के, यहाँ पर वर्गों लिख गया है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। अगला हमारा क्वेश्चन है ये है रिलेटेड पर्यायवाची शब्द से। अब आपको पर्यायवाची फाइंड करना है, जो नीले से लिखा हुआ है इसका आपको फाइंड करना है कि चार ऑप्शंस में से पर्यायवाची कौन सा होगा। तो इसमें सारंग का क्या हो जाएगा, सारंग का हो जाएगा मोर। ठीक है, अब अगला है अम्बुद। अम्बुद किसको कहते हैं, अम्बुद कहते हैं बादल को। अरविंद किसको कहते हैं, अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल, और इसको अगर स्पेसिफिकली बोले तो सफेद कमल होता है। अगला है अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमीय हो जाएगा, पुरंदर होगा नहीं। पुताशन किसका होता है, आग या अग्नि का होता है। ठीक है, पुरंदर किसका होता है, पुरंदर होता है इंद्र का। स्तन्य का क्या मतलब हो जाएगा, स्तन्य का मतलब हो जाएगा दूध। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा यहाँ पर सही हो जाएगा। गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा देवसरी, देवसरी यहाँ पर हो जाएगा सही। और अनल यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि अनल का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से आग होता है। जलधर का क्या मतलब होता है, जलधर होता है आपका समुद्र होता है। मेघ पुष्प यहाँ पर क्या होगा, मेघ पुष्प होता है जल, वाटर, पानी। मेघ पुष्प का मतलब एक पर्यायवाची होता है जल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चंचरीक, चंचरीक का क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शंस में से मित्र नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होगी, ये हो जाएगा भ्रमर। तो भ्रमर है इसका पर्यायवाची चंचरी का। जो आपको अलग लग रहे हो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर वर्तनी का टेस्ट करना है, किसकी वर्तनी सही है। वर्तनी से आजकल काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखोगे
जो वनडे एग्जाम अभी हाल में हुए हैं यूपीपी कांस्टेबल वगैरह के, और आपने UP SSC के अगर बीच में कोई एग्जाम देखे हैं तो उसमें वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें शुद्ध वर्तनी आपको चारों में से फाइंड करनी होती है और उसको जो है अपनी शीट में फिल करना पड़ता है। तो रागिनी यहाँ पर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर खा में लिखा गया है ये सही स्पेलिंग होती है रागिनी की। रागिनी का मतलब क्या होता है ये आप हमको कॉमेंट करके बताइए, क्या अर्थ होता है बताइए। कार्यान्वयन यहाँ पर मतलब आपको दिया नहीं होगा कि कौन सा राइट है, ठीक है, आपको चारों में से ही फाइंड करना पड़ेगा किसकी स्पेलिंग सही है। तो कार्यान्वयन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कार्यान आधा की मात्रा व या न, कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। ईर्ष्या यानी कि जलन की सही स्पेलिंग क्या होती है, जैसे कि लिखी हुई है ऑप्शन नंबर 1 में, एक्चुअली कोई भी नहीं सही स्पेलिंग है इसमें, ये होना चाहिए था तब ये सही बनेगी, इस तरीके से लिखते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें उत्पादन हमको देखना है, तो उत्पादन हमको पता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं कितना ज्यादा इसको उत्पादन, इस तरीके से लिखते हैं उत्पादन। अगला है हमारा यथोचित, यहाँ पर पहचानना है यथोचित हो जाएगा इस तरीके से जैसे गा में लिखा गया है यथोचित, और इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ ले कभी तो हो जाएगा यथा और उचित, और संधि कौन सी लगेगी इसमें, गुण संधि। अगला है मूर्धन्य, मूर्धन्य लिखते हैं किस तरीके से, मूर्धन्य इस तरीके से लिखते हैं जैसे खाम लिखा गया है। अगला है आधारित, आधा लिखते हैं फिर रित लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आधारित। सबसे पहले मैं आपको श्रावण का यहाँ पर बताना है, श्रावण में कौन सी संधि यहाँ पर लग रही है, ठीक है, श्रावण में संधि आपकी लगती है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर घ, अयादि संधि लगती है वो इसलिए क्योंकि इसका अगर आप विच्छेद करें तो श्रव और अण ये बनता है आपका श्रावण। और यथेष्ट में कौन सी संधि लगती है, इसका ये विच्छेद कर लीजिए यथा और इष्ट तो बनता है यथेष्ट, तो कौन सी संधि लगेगी इसमें, गुण संधि लगेगी, ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही है। कपीश में कौन सी संधि लगती है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, इस तरीके से आप विच्छेद कर देते हैं इसका और इसमें लगती है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि। दिग्गज में कौन सी संधि लगती है, इसमें आपकी व्यंजन संधि लगती है, ऑप्शन नंबर का, क्योंकि जो है ये का बनता है गा अंत में, ठीक है, तो इसमें दिग होगा यहाँ पर और फिर गज होगा तो बनेगा दिग्गज। उड्डयन में कौन सी संधि लगती है, अगर आप देखें तो इसमें उत होता है सबसे पहले, तो इस वजह से ये उत जो है ये इसमें चेंज हो जाता है, तो इस वजह से ये इसमें एक बार फिर से व्यंजन संधि लगती है, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही ही है। देव्यर्पण, देव्यर्पण में क्या होता है, देवी धन अर्पण, तो इसमें आपका जो संधि लगती है वो होती है यण संधि, ऑप्शन नंबर का यण संधि इसमें लगेगी। आत्मा उत्सर्ग में क्या होता है, आत्मा और उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी क्या होता है, बलिदान करना, ठीक है, तो यहां पर आ जो है बड़ा और यहां से ऊ ले रहा है और इसमें क्या बन रहा है हमारा फल ओ बन रहा है, तो इसमें कौन संधि लगती है, एक बार फिर से गुण संधि लगती है। अगला क्वेश्चन समास से रिलेटेड है, समास पहचानिए यहां पर होना चाहिए, समास पहचानते हैं हम, गुरु दक्षिणा में कौन समास है, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है, ठीक है, विभक्ति ये, इस वजह से संप्रदान तत्पुरुष होगा अगर स्पेसिफिकली पूछे तो। विद्यार्थी में क्या होगा, विद्यार्थी आपको बताएं काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है और जब भी प्रीवियस ईयर में इसको पूछा गया इस पर विवाद रहा है, लेकिन ज्यादातर आंसर की जो आती है एग्जाम की और जो बुक्स हैं उन्होंने माना है कि इसमें कर्मधारय समास होता है, ठीक है, कर्मधारय समास कुछ लोगों ने तत्पुरुष माना है, फाइनली कर्मधारय समास हम इसको मानते हैं। सुपुरुष क्या हो जाएगा, सुपुरुष क्या हो जाएगा, एक बार फिर से कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि सुपुरुष यानी अच्छा है जो पुरुष, अच्छा है जो पुरुष। अगला है नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, विशेषण है, कर्मधारय समास एक बार फिर से होगा। राजपुरुष में कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा राज का पुरुष, राज का पुरुष, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास एक बार फिर से। हानि लाभ में कौन समास होगा, हानि लाभ में आपको यहां पर ये चिन्ह देखने को मिल रहा है तो ये कहां पर लगता है, हमेशा द्वंद्व समास में लगता है, ऑप्शन नंबर गा में। किस्मत ठोंकने का क्या मतलब हो जाएगा, किस्मत ठोंकने का मतलब होता है पश्चाताप करना, ऑप्शन नंबर का यहां पर सही है। कौड़ी का हो जाना क्या मतलब होगा,
कौड़ी का मतलब हो जाने का मतलब होता है धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना। ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर सही है। एक आंख से देखना क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समान व्यवहार करना या फिर भेदभाव ना करना। ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर सही बैठेगा ऑप्शन के हिसाब से। एक ही लकड़ी से हाँकना ये निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। एक आंख से देखना का मतलब होता है भेदभाव ना करना, सबको समान रूप से देखना, वो अलग चीज हो गई। लेकिन एक ही लकड़ी से हाँकने का मतलब होता है अच्छे बुरे की पहचान ना करना, सबको एक जैसा व्यवहार करना, सबसे योग्य और अयोग्य दोनों से एक जैसा व्यवहार करना, ये होता है अच्छे बुरे की पहचान ना करना, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही है। अबनूस का कुंदा, अबनूस का कुंदा आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब होता है अत्यंत काले रंग का मनुष्य, अत्यंत काला मनुष्य होता है अबनूस का कुंदा। वह सामग्री जो हवन के लिए हो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गा, हवी यहाँ पर सही है। जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, इसका क्या मतलब होता है? अज्ञात। अज्ञात अजात का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, जन्म ना हुआ हो। अजात शत्रु कभी कभी पूछा जाता है, अजात शत्रु का क्या मतलब होता है? जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो, ठीक है। अजेय का मतलब होता है जिस पर जो जीता ना गया हो, ठीक है। अज्ञ क्या क्या मतलब होता है? जिसे कुछ ना पता हो, जो अज्ञानी हो वो होता है अज्ञ। नवविवाहिता स्त्री क्या होती है? ये होती है नव ओढ़ा, ये ठीक है, यही इसके लिए वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। कोई वधु या फिर नववधु ये सब नहीं चूज करेंगे, नवोढ़ा इसके लिए होता है। जिसका नाश कभी नहीं होता वो क्या होता है? वो हो जाएगा खा, अविनाशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। जो कभी नष्ट नहीं होता वो हो जाता है अनश्वर। वह बालक जिसको गोद लिया गया हो वो क्या होता है? वो दत्तक होता है। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर सही है। मांगने वाला क्या होता है? मांगने वाला होता है याचक। ऑप्शन नंबर गा याचक। वाक्य पहचानने वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। वाक्य पहचानिए, ये ऐसे करके आपको देता है और फिर आपको इसी तरह का एमसीक्यू बना रहेगा ऑप्शन के साथ। राम की रुचि खेलने में नहीं है किंतु पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है, ये किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य विचार करके एक चैप्टर है, वो 53 मिनट का है। मैंने उसमें सब कुछ सारे वाक्य एक्सप्लेन करे हुए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, भाववाच्य। अच्छा, वाच्य का अलग चैप्टर, वाक्य का अलग चैप्टर, ठीक है। तो वाच्य और वाक्य दोनों जो आते हैं, दोनों के अलग अलग वीडियो हैं। दोनों वीडियो की ड्यूरेशन मिलाकर करीब 1 घंटे 50 मिनट ऐसे होगी। अगर आप देख लेंगे तो कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, गारंटी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको उसको देखना पड़ेगा। तो इसमें राम की रुचि खेल में नहीं किंतु पढ़ाई में है, इसमें कौन सा वाक्य बनेगा? यह है संयुक्त वाक्य। ये क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर किंतु आया है। कौन कौन से शब्द हमको पहचानने होते हैं वाक्य पहचानने के लिए, ये सब हमने उसी चैप्टर में आपको बता दिया है, ठीक है। अगला है, वह मुझे खंडर में ले गया जहाँ पहले राजा का विशाल महल था। तो इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य है। जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ ये सब कैरी करता है मिश्र वाक्य वाला। उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को भी खाली हाथ ना जाने दे। इसमें कौन सा वाच्य? इसमें वाच्य पूछा है, ठीक है। इसमें वाच्य पूछा है, वाक्य नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। कर्म है इसमें प्रधान, तो इसमें कर्मवाच्य है। वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। तो इसमें कौन सा आपका वाच्य होगा? इसमें आपका होगा कर्तृवाच्य, ठीक है। इसमें कर्ता प्रधान है, कर्म नहीं, तो इसमें कर्तृवाच्य होगा। शर्म के मारे मीरा से ऊपर भी नहीं देखा जाता, उससे रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता, ये सब आता है आपके भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर गा। वाच्य करके वीडियो है, आप उसको देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और आसानी से मैंने बताने का प्रयास किया है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आप समझ जाएं। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, इसमें कौन सा आपका वाच्य बनेगा? इसमें भी किया जाए, लिया जाए, आया जाए, जाया जाए, तो इसमें भी भाववाच्य ही होगा। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही है। यथा संभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें वाक्य पूछा गया है, इसमें सरल वाक्य है, ठीक है। ना मिश्र है, ना संयुक्त है, ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव, जिसको हम सरल वाक्य बोलते हैं हिंदी में। एक बार फिर से इस वाक्य में अगर आप देखें, मेरा विश्वास है कि इस योजना के सहारे हमारे देश की उन्नति होगी, तो इसमें की आ गया है। तो एक बार फिर से इसमें मिश्र वाक्य है, की जिसमें आता है उसमें मिश्र वाक्य होता है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है। अब देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भाव किसका आ रहा है? लेकिन का आ रहा है, ठीक है। लेकिन तो इसमें लेकिन के बदले जो कॉमा आ गया है, क्या वाक्य कैरी करेगा? ये संयुक्त वाक्य में। लेकिन किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। लेकिन इस वाक्य में नहीं आया, लेकिन हिडन है, मीनिंग में ही हिडन है, तो इसमें संयुक्त वाक्य है। बरसात में मच्छरों के कारण सोना कठिन हो जाता है, इसमें कौन सा वाक्य? ये भी सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है ये, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
आई होप आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये वाला भी आजकल बहुत चल रहा है, ये नए नए क्वेश्चन बनाने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि आपसे त्रुटि पूछते हैं, जैसे अगर आप एसएससी के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें इंग्लिश सेक्शन में आता है जिसमें आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना पड़ता है, एरर यानी कि त्रुटि। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो उसमें आपको नो एरर जो है टिक करना पड़ता है। सेम केस यहाँ पर भी है, एरर और नो एरर वाला हिसाब किताब। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ईश्वर की कृपा सबके ऊपर है। बताइए इसमें सही है सब कुछ या फिर कहाँ पर त्रुटि है? तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है, खा वाले पार्ट में, जहाँ पर खा लिखा रहेगा उसी को आपको डार्क करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में खा पार्ट में त्रुटि है। क्या त्रुटि है ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तब भी आपको बता देते हैं। सबके ऊपर यहाँ पर नहीं होगा, ईश्वर की कृपा सब पर है, ये यहाँ पर इसको सही करना है। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे मेरे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर है त्रुटि गा वाले पार्ट में। गा वाले पार्ट में इसलिए है क्योंकि बहुत ही निकट और आत्मीय नहीं आना चाहिए एक साथ, सुपरफ्लुअस एरर है। आत्मीय को अगर हम यहाँ पे हटा दें, बहुत निकट के रिश्तेदार है तो ये सही हो जाएगा, निकट के हटा दें तो सही हो जाएगा, आत्मीय को रख लें तो। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों, उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। इसमें कौन सा गलत है पार्ट, इसमें का पार्ट गलत है? आप देख सकते हैं गंभीर नदियों नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, गहरी नदियों। किसकी एरर है यहाँ पर, विशेषण की एरर है, विशेषण यानी एडजेक्टिव की। कि उस सड़क पर दो दो मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था, तो बताइए इसमें क्या गलती है? अगर नहीं गलती है तो हमको क्या मार्क करना होता है, घा। उस सड़क पर दो दो मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था, ये सेंटेंस एकदम सही है, घा पार्ट इसमें सही जाएगा। इसमें नो एरर है यानी कि कोई भी गलती इसमें नहीं है व्याकरण की। यह बात एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो इसमें आपने देख लिया होगा कौन सी गलती है यहाँ पर, कहाँ पर, किस पार्ट में है, घा में है। अच्छी तरह से समझाई जा सकती थी या सकती है, तो ये यहाँ पर एरर है, सख्ती यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अपनी माता के मृत्यु के बाद शीला ने ही अपने पिता का ध्यान रखा, तो इसमें कौन सी एरर है, यहाँ पर एरर है का में, ठीक है, अपने माता की मृत्यु के बाद होगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर ही दिमाग लगाएंगे कि अगर अपनी माता के मरने के बाद लगा देते तो वो सही होता, तो कौन सा मार्क करेंगे, खा में एरर मार्क करेंगे कि का की एरर को सही करेंगे? तो आपको बता दें जो पहले पड़ता है उसी में एरर ढूंढते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अपनी माता के मरने के बाद अगर लगा दें तो सही हो जाएगा, तो खा में एरर है, नहीं, वो का में ही एरर हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, का पार्ट में, कि अगर यहाँ पर की होता तो वो सही हो गया होता। तो जिससे सही करने की संभावना पहले बनती है वहीं पर हम लोग एरर ढूंढते हैं। वो आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, मंडी परिषद में भी आएगा, लोअर पीसीएस में भी आएगा। लेखिका ने शहर ले जाए और उसे पढ़ाए कि वह लहमा को एक बार सोचा। तो इसमें क्या रहता है कि एक सेंटेंस के कई टूटे बिखरे हुए पार्ट दिए रहते हैं और आपको उसको सही में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करती है, इसमें काम करती है सिर्फ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसमें देखिएगा कैसे इसको सही करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, आप बना करके देखिए, आप देखिए कि शहर ले जाए और उसे पढ़ाए, ये बनेगा नहीं, ठीक है। कि एक, ये होगा नहीं क्योंकि बीच से जनरली शुरू नहीं होते हैं, एक नाउन के साथ सेंटेंस शुरू होते हैं। तो लेखिका ने एक बार सोचा, हम लोग लेते हैं इसको, या वह लेखिका ने एक बार सोचा कि वह लहमा को शहर ले जाए और उसे पढ़ाए, तो या ला या वह ला रा हमारा बन गया यहाँ पर, किसमें है, या वह ला रा किसमें है, फर्स्ट में है। तो इस तरीके से हमने इसको सही कर लिया। इसकी यही ट्रिक है, आप बना करके देखिए। बाल मृत्यु दर की अत्याधिक थी वर्तमान शताब्दी दशकों से पूर्व के प्रारंभ, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला सेंटेंस पहला आपने ढूंढ लिया तो काम आसान हो जाता है इसमें। तो सबसे पहला यहाँ पर होगा वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से पूर्व बाल मृत्यु दर अत्याधिक थी। तो वर्तमान शताब्दी सबसे पहले के प्रारंभिक में, फिर वह दशकों पूर्व, दशकों से पूर्व बाल मृत्यु दर अत्याधिक थी। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, रा वा ला या, तो रा वा ला या किसमें है, फर्स्ट वाले में है। तो ये भी यहाँ पर सही है, फर्स्ट वाला। इसमें हम लोग देखते हैं आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती, नित्य प्रतिदिन बदलता रहेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही देखा करिए, जैसे मैंने पहला लिया सेंटेंस बनाने को, नहीं बन रहा है इससे, ये भी नहीं बन रहा है पहला सेंटेंस। यदि कानूनों का रूप, यहाँ से बन सकता है, यदि कानूनों का रूप नित्य प्रतिदिन बदलता रहेगा, ठीक है। तो हमको दो क्लू मिल गए, ला रा, यदि कानूनों का रूप या प्रारूप नित्य प्रतिदिन बदलता रहेगा तो उनके प्रति जनता में आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लू मिल गया, रा ला रा वा और या, ये हमारा बन जाएगा पूरा। तो ला रा वा या किसमें है, इस वाले में है हमारा, घा में। तो घा हमारा सही हो जाएगा एक बार फिर से।
अगला हमारा है कि हम इसमें पहला सेंटेंस या को ले सकते हैं। आप हिंदी में अवश्य ही बन तो सकता है, आप हिंदी में अवश्य ही उच्च श्रेणी के अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप रखेंगे तो। उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान नहीं बन रहा है। उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान यदि आप रखेंगे तो आप हिंदी में अवश्य ही उच्च श्रेणी के अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्रम में आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, सबसे पहले रा आएगा, उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान यदि आप रखेंगे, वा आएगा तो आप हिंदी में अवश्य ही, फिर या आ जाएगा और फिर ला आ जाएगा। तो रा वा या ला, ये किसमें है, ये खा में है। तो इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। ये फिफ्थ वाला काफी सरल है, भारतीयों में सबसे पहला ये होगा यहां पर, यह वाला अब भी नए, फिर ये वा आ जाएगा यहां पर, विचारों को अपनाने की, फिर आ जाएगा, फिर ये ला आ जाएगा आखिर में। भारतीयों में अब भी नए विचारों को अपनाने की योग्यता है, या वा रा ला, ये कहाँ पे है, ये है खा वाले में। तो ये वाला सही हो जाएगा। आग में जलने पर और भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये नहीं होगा। पहले श्री राम के चरणों में प्रेम, श्री राम के चरणों में प्रेम से ही हो सकता है, जिस प्रकार सोने की चमक उसी प्रकार से मेरा जीवन का निर्वाह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा, सबसे पहले जहां पर एग्जाम्पल शुरू हो रहा है, जिस प्रकार सोने की चमक आग में जलने पर और भी बढ़ जाती है, या होगा यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार, फिर वा आएगा, फिर रा आएगा। तो ला या वा रा किसमें आ रहा है, ला वा ला या वा रा, ये किसमें आ रहा है, का वाले में। तो ये सही सीक्वेंस बनेगा। आप कई सारे ऐसे देखा करिए प्रैक्टिस सेट में, अपनी बुक्स वगैरह में, या फिर मैं और भी जो सेशन करवाऊंगा उसमें आप एक बार फिर खुद से देखा करिए, आप खुद ही अच्छा करने लगेंगे इसमें। हमारा आखिरी पार्ट जो बनता है वो होता है अवतरण वाला। अवतरण से यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवतरण निश्चित रूप से कंपलसरीली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप लोअर की तरफ देख रहे हो, चाहे मंडी परिषद जो वाला जो विपणन अधिकारी का जो आप देंगे, इन दोनों में ही कंपलसरीली आपको ये अवतरण देखने को मिलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। अवतरण के बारे में मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, हिंदी की प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो, उसमें अगर छोटा अवतरण है तो उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत बड़ा अवतरण है तो सीधे क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, क्वेश्चन देखना चाहिए। ये छोटा अवतरण है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथों में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये किया करिए कि इतना आधा पढ़ के आप क्वेश्चन की तरफ जाया करिए कि क्या हमको यहाँ पर कुछ मिल रहा है, क्या हमको कुछ आंसर मिल रहे हैं क्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, यहाँ पर ये चिन्ह होना चाहिए, मतलब देन क्या है ये पूछा जा रहा है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर पढ़ने पर सबसे पहले आपको 2 लाइनों में इसका आंसर मिल जाता है कि जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है, वहीं जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता भी दे दी है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर आप टिक करेंगे अपनी मार्कशीट में, का वाला, का आंसर यहाँ पर एकदम सही है। और अगला यहाँ पर मिलता है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ऊपर माना है कि हुआ है समावेश गतिशीलता का, भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है और विकास के सूत्र मानव के हाथ में। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता आधुनिक मानव विकास को, क्यों, ये हमको पैसेज में बताया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा का पार्ट में, साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इस वजह से इसको सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के हिसाब से, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी कर दिया है। एकांगी कर दिया है यानी कि सर्वांगीण नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी दी रहती है जो आपको डिराइव करनी पड़ती है, डायरेक्ट कीवर्ड आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, उससे पहले एक करेक्शन यहाँ पर कर लीजिएगा आप। करेक्शन यहाँ पर यह होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो का मैंने बता दिया है, वो का नहीं होगा, वो होगा खा, खा यहाँ पर सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास यहाँ पर सही इसका होगा, का यहाँ पर नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर खा होगा, ठीक है, और इसके वाले का होगा। तो अब हम बाकी का पैसेज यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ तक थे हम लोग, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए,
व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा हम दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इतना पढ़ लेने के बाद क्या हम पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं? पैसेज के क्वेश्चंस को, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता ना बन जाए, राष्ट्र की क्षुद्रता ना बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज में हमने पढ़ा, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति की नीचता जो है वो राष्ट्र की नीचता नहीं बननी चाहिए, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हमने अणु विस्फोट या फिर एटम बम का सही प्रयोग किया है, मानव प्रेम और लोकहित में किया है, लोकहित की मर्यादा के लिए किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर गा सही जाएगा। मानव विकास को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? हमने देखा ये भस्मासुर वाला हाथ दिया, मतलब ये आपको जो दिया वो एग्जाम्पल, व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। और इससे पहले लिखा हुआ है कि इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं पैसेज सही हमको उठाना है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हम मानव विज्ञान को, मानव विकास नहीं, विज्ञान को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पर सही होगा, खा वाला पार्ट यहाँ पर जिसने लगाया उनका एकदम सही है। आखिरी क्वेश्चन है इस टेस्ट का हमारे, कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए शंकालु है। क्योंकि क्यों शंकालु है, हम बात कर रहे हैं शुरू से विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों की, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पर वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। जिसने घा लगाया है उनका एकदम सही है। तो एक बार शुरू से अंत तक बता देते हैं, फिफ्थ में आपका घा वाला पार्ट सही है ये वाला, आपका फोर्थ में खा वाला पार्ट जिसने लगाया उनका सही है, थर्ड में गा वाला पार्ट सही है आपका, ये फर्स्ट में ये खा वाला पार्ट सही है, पहले हमने का बता दिया था, और इसमें जो है ये का वाला पार्ट सही है। तो ये हमारे आंसर हो गए टेस्ट के। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ऐसे और टेस्ट अगर तो चाहिए तो चैनल पर हम लोग अपलोड करने का प्रयास करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।